को आपको कुछ दस्तावेज दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, कुछ कागज है मेरे पास में, वो आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बारे में बता देता हूं। दरअसल कल वसईपुर के गोखी वाले फादरवाड़ी में बहुत बड़ी एक कार्यवाही रेलवे की जारी थी, तोड़क कार्यवाही रेलवे कर रही थी। वहां सर्वे नंबर 113 की जमीन पर बनी चालियों को कल ध्वस्त किया जा रहा था। बहुत मीडिया ने उसको कवरेज किया और वहां के लोगों की स्थिति बयान की, बताई। मैंने भी उसको करीब से देखा था और मैंने कुछ सवाल भी उठाए थे। तो जाहिर सी बात है, जो पुरानी चाली है जिनके ऊपर अभी तोड़क कार्यवाही हुई, उनकी तोड़क कार्यवाही को लेकर कोई मेरा विषय नहीं है। उनके ऊपर कार्यवाही हुई है तो जाहिर सी बात है, वो रेलवे का प्रोजेक्ट है और उसके लिए उनको तोड़क कार्यवाही अधिग्रहण किया जाना है तो वो बनता है। लेकिन मेरी नजर में सर्वे नंबर 113 में ही, मेरी नजर में क्या सबकी नजर में, प्रशासन को भी नजर में है, लेकिन जानबूझकर प्रशासन आंख बंद करता है, वो बात अलग है। मैंने भी जब ये खबर कवर की थी तब मैंने बताया था कि सर्वे नंबर 113 में ही रोड, फादरवाड़ी रोड के नजदीक गार्डन, महानगर पालिका का गार्डन है, उसके बाजू में एक 4 मंजिला इमारत है, वो पूरी तरह से अनाधिकृत इमारत है, उसके ऊपर प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। कितनी कितनी बार शिकायतें करने के बाद प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। अब इसमें जिम्मेदार कौन? वसई विरार महानगर पालिका, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी या अंत में जिलाधिकारी? तो मैं सिलसिलेवार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं वो डॉक्यूमेंट भी आपको मैं शो करूंगा। दरअसल ये जमीन 113 नंबर सर्वे जो है वो अधिकतर हिस्सा शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन होने के बाद में उसमें से कुछ हिस्से पर ये रेलवे कॉरिडोर का आ रहा है, कुछ हिस्सा अभी भी जिसका ये नहीं हुआ है, सर्वे ही नहीं हुआ है, उसका फेरफार नहीं हुआ है, ऐसे कई चीजें उसमें है। अब मैं इस 4 मंजिला इमारत की स्पेशल जिसकी बात चल रही है उसकी बात करता हूं। तो इसको लेकर 2017 से लेकर, ये 2017 से इमारत बनना शुरू हुई थी, तब से लेकर इसको लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई। ये RTI में निकाली गई इंफॉर्मेशन है वसई विरार महानगर पालिका से। तो इसको 2017 में कंप्लेन की गई थी, कंप्लेन के बाद में 2017 में ही इसी बिल्डिंग को लेकर, तब ये 2 माला का काम शुरू था, MRTP नोटिस निकला था। MRTP नोटिस जिस शख्स के नाम पर निकला था उसका नाम इसमें बताया गया है, शम्स रुस्तम मोहम्मद पठान, उसके नाम से MRTP नोटिस निकाला गया था। लेकिन आज दिन तक उस MRTP नोटिस के ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ, वो बात अपनी जगह पे है। फिर उसके बाद में महानगर पालिका ने, ये MRTP नोटिस महानगर पालिका ने निकाला था, ये आप पॉइंट नोट करना। उसके बाद में महानगर पालिका में और भी शिकायतें आई, शिकायतकर्ता कौन है वो जाहिर करना अच्छी बात नहीं, लेकिन शिकायत आई। तो उस शिकायत के ऊपर एक शिकायतकर्ता का नाम मैं जरूर जाहिर करूंगा, क्योंकि कोई वो सामान्य हस्ती नहीं है, वह हस्ती है विवेक पंडित, माननीय अध्यक्ष राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आड़ावा समिति। विवेक पंडित जिनको राज्य मंत्री का दर्जा था, उन्होंने 2019 में, 15/11/2019 माफ कीजिएगा, उन्होंने शिकायत की थी 9/11/2019 को, और उसके जवाब में वसई विरार महानगर पालिका के उपायुक्त ने यह पत्र महानगर पालिका प्रभाग समिति कार्यालय जी को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुझे गोखी वाले सर्वे नंबर 113 पैकी मदिल अनधिकृत बांधकाम और कार्यवाही करने बाबत संदर्भ माननीय श्री विवेक पंडित, माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा, राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आड़ावा समिति महाराष्ट्र शासन, याचे कडील जाव क्रमांक 100 दिनांक 9/11/2019 रोजीचे प्राप्त पत्र। फिर इसके अंदर इन्होंने ये लिखा है कि उपरोक्त संदर्भी विषय ने अपना करुणीय यति की मोजे गोखी वाले सर्वे नंबर 113 पैकी या शासकीय जागेवर शुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम कार्यवाही करने बाद माननीय श्री विवेक पंडित माननीय अध्यक्ष याने निवेदन दिला है
तो शपथ पत्र जोड़ेला है। थ्री संदर्भ पत्र नमूद अनधिकृत बांधकाम बाबत खातर जमा कर नगर रचना विभाग लेखी अभिप्राय घेन MRTP अंतर्गत निष्कासना की व गुन्े दाखिल करने बाबत कार्रवाई कर अहवा माननीय श्री विवेक पंडित अध्यक्ष राजश्री यहाँ कलावे। यानी कि इसमें ये उपायुक्त का यह आदेश था कि इनकी जो शिकायत थी विवेक पंडित की, उस शिकायत के आधार पर इस पर समुचित कार्यवाही की जाए। अब एक आदेश जिलाधिकारी कार्यालय से भी निकला, महानगर पालिका से निकला। महानगर पालिका आमतौर पर हम जाएंगे और बोलेंगे कि शासकीय जमीन आप कार्यवाही करो, तो वो सीधा ये बोलती है कि शासकीय जमीन पर कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को है, जिलाधिकारी को है। तो इन्होंने ही, विवेक पंडित ने ही जिलाधिकारी कार्यालय को भी कंप्लेन किया था और जिलाधिकारी कार्यालय ने भी कुछ इसी तरह से एक ड्राफ्ट किया था और वो यहां पे यहां के आयुक्त वसईरा महानगर पालिका आयुक्त और उप विभागीय अधिकारी यानी प्रांत अधिकारी उनको भेजा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो साइन करने वाले हैं, जिनका सिग्नेचर है, वो है उज्ज्वला भगत मैडम, तहसीलदार महसूल, जो आज वसई विरार महानगर पालिका वसई विरार तहसील की तहसीलदार मैडम है, उनके सिग्नेचर है। ये कंप्लेन उनके टेबल पे गई थी, उन्होंने ये आदेश निकाला था। इसका तारीख है 25/11/2019। उसके बाद फिर और भी शिकायत करने वालों ने शिकायत की, जिनका मैं नाम नहीं यहाँ जाहिर नहीं करूँगा। फिर महानगर पालिका की अपनी एक प्रोसीजर होती है, तो 2/9/2020 को जवाब पंचनामा हुआ, उसमें ये पूरा जवाब पंचनामा लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि G+2 चे काम पूर्ण झालेले दिसून येते, तसे पहिला मजल्यावर भिंतीचे बांधकाम सुरू असताना निर्देशनास आले व तल मजल्यावरील दुकानात वापर सुरू आहे। G+2 तब तक बनाता 2/1/2020 तक, और तब तक जो दुकान थी वो दुकान शुरू हो चुकी थी और ऊपर काम शुरू था। ये पंचनामा है। उसके बाद भी एक पंचनामा और होता है 3/2/2020 को महानगर पालिका का, उसमें भी कुछ इसी तरह से उसका क्या कुछ काम हुआ, यानी कि निष्कासन की बजाय और काम उसमें बढ़ गया लेकिन निष्कासित नहीं हुआ। ये मैं आपको दिखा रहा हूं पंचनामा। उसके बाद में फिर ऐसा बोला जाता है कि सामने वाला एक जिसके नाम पे ये MRTP और निकलता है, रुस्तम मोहम्मद पठान, वो एक पत्र वकील के मार्फत महानगर पालिका को देता है कि ये मामला माननीय न्यायालय में है, कोर्ट में है और हमने हमारी पिटीशन है। अब रही बात, अगर कोर्ट में ये मामला है तो समझ में आता है कि महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर सकती है या तहसील कोई भी, लेकिन उस स्थिति में भी कोर्ट में जाने के बाद में कत ही कोर्ट ये नहीं बोलता है कि आप उस पर काम जरूर जारी रखो। कोर्ट की अटी शर्त यह होती है कि वस्तु स्थिति जो है वो रहो। तो तब 2 माला का था, आज वो बिल्डिंग 4 माला बन चुका है, यानी स्टेटस को तो कहीं पे उसने माना ही नहीं है। इसके हिसाब से वो फॉल्ट में है बांधकाम धारक, और इस फॉल्ट को लेकर महानगर पालिका को स्टे को वैकेट कराना चाहिए था। अब सबसे अहम चीज ये है, मंडल अधिकारी सोनावणे की का पंचनामा, जिनका अपना काम है और इन्होंने तहसीलदार को किया है। इसकी तारीख है 5/1/2021। इसमें इन्होंने क्लियर तौर पर साफ शब्दों में इसको अनाधिकृत घोषित किया हुआ है मंडल अधिकारी ने, तब भी कार्यवाही नहीं है। उसके बाद में फिर जो मैंने पहले आपको बताया था कि तहसीलदार उज्ज्वला भगत मैडम वहां पालघर में तब महसूल की तहसीलदार थी, उन्होंने आदेश निकाला था। उसके बाद में इस पत्र के द्वारा माननीय तहसीलदार मैडम को कंप्लेन की गई, शिकायत की गई, जो खुद
इस मामले का आदेश निकालने वाली थी, उन्होंने यहां आकर इस मामले पर अब तक कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया है। वहीं उप विभागीय अधिकारी, प्रांत अधिकारी, जिनको भी आदेश था 2019 में और उसके बाद में भी 18/3/2021 को एक बार फिर से जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश आया है, लेकिन अब तक उन्होंने भी इस आदेश को ध्यान में रखकर कोई कार्यवाही नहीं की है न ही, और ये शिकायत किसी और ने नहीं हमने ही की थी, जिसके ऊपर अब तक जिलाधिकारी ने रिप्लाई दिया लेकिन प्रांत अधिकारी ने नहीं दिया। मतलब महसूल की जो जमीन है, शासन की जो जमीन है, उस पर अनाधिकृत बांध काम करने वाले अनाधिकृत बांध काम कर रहे हैं और शासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, उसको देख रहा है। प्रांत अधिकारी हो या तहसीलदार मैडम हो, उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, और पूछने जाएंगे तो वहां पर कोई जवाब देता भी नहीं है। पूछने जाएंगे तो तहसील कार्यालय में लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल होते हैं, तहसील कार्यालय में लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रांत अधिकारी मिलीभगत करते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार है और सीधा सीधा अवैध बांध काम धारक को बचाने का सीधा, ये मैं आरोप नहीं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सीधा इसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है। अब जब कल इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और रेलवे के लिए पुलिस बंदोबस्त लगाकर तोड़क कार्रवाई की गई, तो अब देखना यह है कि क्या तहसीलदार, क्या प्रांत अधिकारी, क्या जिलाधिकारी और क्या वसई विरार महानगर पालिका हिम्मत करेंगे ये चार मंजिला इमारत को तोड़कर, क्योंकि ये शासन की जमीन है। आज जैसे वो लोग बेघर हो रहे हैं, कल यहां पर रहने वाले, यहां पर पैसा डालने वाले लोग भी बेघर होंगे, तब उनका क्या फंसता कौन है? गरीब है, बिल्डर अपना काम निकाल के निकल गया, पैसा कमा के निकल गया, लेकिन जो उसमें फ्लैट खरीदेंगे वो फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन किस आधार पे होगा? तो मैंने आपको ये सच्चाई 113 नंबर की दिखाई है। ऐसा ही कुछ मामला 233 नंबर की सरकारी जमीन है, सर्वे नंबर 233 गोखीवर है, वहां पे भी है। हालांकि वहां पर चार माला की बिल्डिंग नहीं बन रही, वहां पर इलीगल चालियां बन रही है और वो भी पूरा संरक्षण है। दोनों की शिकायत तहसील कार्यालय में, प्रांत अधिकारी कार्यालय में की गई है लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। तो इतना ही बोलना चाहूंगा अभी के लिए, इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।